जेमिनी, वेलकम टू गुरु मोहिनी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। Completed world in reverse. Ace of Square. Five of Moon, Four of Moon in reverse. And Six of Moon in reverse. Okay, तो Six of Moon reverse में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं bitter memories ज्यादा strong है इस समय। हो सकता है आपका person सिर्फ ये count कर रहा है कि आपने क्या नहीं किया, बजाय ये देखने कि आपने उनके लिए क्या किया है। ये समय ऐसा है जहां पे आपको लग रहा है कि आपको एक दूसरे की जरूरत नहीं है, या आप एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को आप समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, मगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और आई थिंक ये पर्सन आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। पर चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे ये पर्सन आपको ब्लेम करे या सपोर्ट करें, ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है हर वक्त। ओके, ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं जाने वाले हैं या फिर इन्हें कोई और मिल जाएगा, कुछ और चूज कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये डर आपके मन में है कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा और आगे क्या होगा। कंप्लीटेड वर्ल्ड रिवर्स में है, आपको ऐसा लग सकता है कि क्या आपने सही चॉइस की है। कंप्लीटेड वर्ल्ड का मतलब है कि जब आपने इस रिलेशनशिप को शुरू किया होगा तब आपको ऐसा लगा होगा कि ये परफेक्ट पर्सन है, आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है, अब आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं या किसी और चीज की जरूरत नहीं। पर इसके रिवर्स में होने का मतलब है फिलहाल आप दोनों सिर्फ एक दूसरे की पर्सनैलिटी का डार्क साइड देख रहे हैं। आपको सिर्फ इस पर्सन की कमियां नजर आएंगी और इन्हें भी सिर्फ आपकी कमियां नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं कि आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और आप दोनों के अंदर एक अच्छा साइड भी है जो दूसरा नहीं देख पा रहा। एस ऑफ स्फेयर के साथ जेमिनी, ये वक्त है एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सिर्फ डार्क साइड ही मत देखिए पिक्चर का, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आप दोनों को परफेक्ट बनाता है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इस समय बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे के पॉजिटिव साइड को दोबारा देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो ये चीजें और ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी। फाइव ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे किसी चीज का रिग्रेट जरूर हो सकता है आपको। हो सकता है आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि मैंने इस पर्सन के साथ इतना वक्त क्यों जाया किया, ये पर्सन अंत में यही करने वाला था तो मैंने इस पर्सन को क्यों चूज किया, क्यों मैंने आखिर अपने हिसाब से चीजें नहीं की, और किसी चीज का रिग्रेट हो सकता है पास्ट को लेके। हो सकता है आपने कुछ ऐसा इग्नोर किया हो जो आपको लगा हो कि बाद में बदल जाएगा या ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी, पर शायद ये चीज यहाँ पे अभी भी बाकी है। ये पर्सन अपने हैबिट्स को रिपीट कर रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि आप उनके लिए क्या करने को तैयार हैं। फोर ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि
हो सकता है आप उन्हें वो चीज़ें ऑफर करना चाहते हैं जो वो आपसे मांग रहे हैं, या फिर ये हो सकता है आपका अटेंशन, आपका प्यार, या जो कुछ भी आप उन्हें दे सकते हैं आप देने की कोशिश कर रहे हो, पर इस पर्सन को यही लग रहा है कि ये काफ़ी नहीं है, आप अपनी तरफ से उतना नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। आप में से कई केसेस में ये पर्सन हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो कि आप अपनी लिमिट तक जाए उनकी बातों को मानने के लिए, या उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए आप अपने जितनी भी कैपेसिटी है सबका यूज कर ले। इस पॉइंट पर इस पर्सन को बस यही लग रहा है कि वो कैसे भी करके आपको कन्विंस कर लें कि आप वो कर सकते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं अपनी तरफ से जो उन्हें चाहिए। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। बहुत सारे मून्स हैं यहाँ पे, आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, दो साइन तो कोई भी हो सकता है क्योंकि इन द एंड ये एक जनरल रीडिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए जेमिनी। Stars. Ten of Spears. Three of Stars. The Lovers in Reverse. And the Hermit. तो यहाँ पे हमारे पास The Lovers in Reverse में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को इस वक्त लवर की तरह देख ही नहीं पा रहे, लवर होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहा, और जो कि अपनी जगह पे सही भी है। यहाँ पे आपके लिए थ्री ऑफ स्टार भी है। आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत है एक डिसीजन करने की जेमिनी, क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि ये शायद आपके लिए सफोकेटिंग होता जा रहा है। यहाँ हर्मिट का भी कार्ड है, हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में भी रहते ऑलरेडी अकेला फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्ट्रगल का कोई अंत नहीं है, और ये चीज़ें आपके फ्यूचर को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं, कुछ बुरा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो ये वक्त है डिसीजन करने का, अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का, जो कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ आप किसी भी चीज़ पे जीत हासिल कर सकते हैं, और टेन ऑफ स्पेयर का मतलब है कि आपको अबंडेंस मिलेगी। शायद आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप के कारण, और यूनिवर्स आपका वेट कर रहा है इस स्पेयर के साथ आपको रिवॉर्ड करने के लिए। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि इस समय आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते, या फिर अगर इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है, चीज़ों को थोड़े समय के लिए पॉज कर रखिए, दूसरी चीज़ों पर फोकस कीजिए। दूसरी जब पॉजिटिव चीज़ अच्छी होंगी तो ये जो रिलेशनशिप है वो भी एक बेहतर तरीके से उभरेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सोल एक अलग ही लेवल पे है,
और आपकी एनर्जीज कहीं और से कनेक्ट हो रही हैं इस समय यूनिवर्स में, जैसे कि आपकी सोल कहीं और से बिलोंग करती हो, किसी और जगह की हो। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेहतर फील कराती हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। व्हाट लाइट्स यू अप, आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है और कौन सी चीज़ बेहतर फील कराती है, उस पर आपका फोकस करना ज़रूरी है। तो ये है रीडिंग फरवरी के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।